शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना न भूलें। आगे पुलिस तुम लोगों का स्टेशन पर इंतजार कर रही है। They're waiting for you. What? अबे इडियट, अंग्रेजी में बोल रही है, समझने की कोशिश कर। I can't hear you. Jay, ट्रेन का ड्राइवर मर चुका है। Get off the train. चलो कूदते हैं। अबे क्या कर रहा है? मरना है क्या? ट्रेन का ड्राइवर मर चुका है, वो गलत ट्रैक पर चली गई है और वो आगे जाकर टकरा जाएगी क्योंकि आगे बंद सुरंग है। इतनी आसानी से मरने वाले नहीं है सर, वो देखिए। भक्ता सर, इनकी गाड़ी के बारे में सारे चेक पोस्ट को खबर कर दो, नाकाबंदी करवा दो, आसपास के सारे रेलवे स्टेशन और एयरपोर्ट्स के बारे में मुझे बताओ। सर
मिनट। इसका मतलब है कि हम दोनों एक दूसरे से बिना वजह बंधे? नहीं जय, बिना वजह नहीं, इसके पीछे भी कोई बात होगी। मैं बॉम्बे फोन करने जा रहा हूं अपने वकील से बात करने। मुझे लगता है अब इस दलदल से मुझे वही बचा सकता है। चिनॉय हियर। हेलो वकील साहब, मैं धनंजय बोल रहा हूं। धनंजय, तुम कहां हो? आर यू ऑलराइट? तुम ठीक तो हो ना? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा वकील साहब, मैं बहुत बुरी तरह फंस चुका हूं। आई नो, मैं जानता हूं तुम्हारे भाई ने तुम्हें फंसाया है। गॉड नोज और तुम्हें कितना फंसाएगा। मैं अब उससे आजाद हो चुका हूँ, वो अपने रास्ते जाएगा, मैं अपने रास्ते। बेवकूफ मत बनो धनंजय, उस आदमी का तुम्हारे साथ रहना बहुत ही जरूरी है। जब तक वो तुम्हारे साथ नहीं होगा, मैं तुम्हें बेगुनाह साबित नहीं कर सकता। फिलहाल तुम मुझे सिर्फ इतना बताओ कि इस वक्त तुम कहाँ हो। पता नहीं, धौलपुर के कहीं आसपास। ऑलराइट, तुम एक काम करो, कल सुबह आगरा से बंबई की फ्लाइट पकड़ो। टिकट का बंदोबस्त मैं कर दूंगा। लेकिन आफताब के साथ? देखो धनंजय, मेरी बात ध्यान से सुनो और समझने की कोशिश करो। तुम्हारे खिलाफ आतंकवाद का इल्जाम है और जिसकी सजा सिर्फ फांसी है, समझे? अगर तुम फांसी से बच भी गए तो कम से कम 35 साल जेल में सड़ोगे तुम। अगर तुम्हें बचाना है तो मुझे वो आदमी हर हाल में चाहिए। अगर वो निर्दोष है तो अपने आप छूट जाएगा, क्योंकि इस बात का भी तुम्हारे साथ कोई लेना देना नहीं है। धनंजय, अगर तुम अपनी जान बचाना चाहते हो तो कम से कम इस बार मेरा कहना मानो। ओके। बात है जय? कुछ नहीं। कहां जा रहे हो तुम? रात होने वाली है, मैं अंधेरे की आड़ में घर पर। पागल हो गए हो क्या? पुलिस तुम्हारा वहां इंतजार कर रही होगी। मैं कुछ नहीं जानता, मुझे अपनी अम्मी के पास पहुंचना है। और उसके बाद? अपनी अम्मी को लेकर कहीं चला जाऊंगा। आफताब, एक बार, सिर्फ एक बार ठंडे दिमाग से सोचो। ये केस कितना बड़ा है तुम्हें कोई अंदाजा नहीं है। मेरी अभी अपनी वकील से बात हुई है और वो लोग आतंकवादी का ठप्पा लगा के तुम्हें और तुम्हारी माँ को अंदर कर देंगे। कम से कम अपने माँ को तो बचाने की सोचो। बचा लूंगा। मान जाओ आफताब, बंबई जैसे शहर में भी कई बेगुनाह लोग जेल में घुट रहे हैं और इस वीराने में पुलिस तुम लोगों के साथ क्या करेगी ये किसी को पता भी नहीं चलेगा। अपने बारे में नहीं तो कम से कम अपनी माँ के बारे में तो सोचो। क्या तुम चाहते हो कि तुम्हारी माँ भी गिरफ्तार हो जाए? आफताब, मैं पूरा इंतजाम कर चुका हूँ। हमें आगरा से बॉम्बे की फ्लाइट लेनी है, वहां मेरा वकील चुनाव सब ठीक कर देगा। एक मिनट, हमें आगरा पहुंचना कब है? कल सुबह, कम ऑन। नहीं, अभी एक कहानी बाकी है, आफताब और रुखसाना की कहानी। What? आफताब ने मुझे सब कुछ बता दिया है। इसी शहर में रहती है ना? चलो एक बार उसे मिलाए। कोई फायदा नहीं, अपनों का साथ बड़ी मुश्किल से मिलता है, इसे इतनी आसानी से मत छोड़ना।